नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 अप्रैल 2022 की, और आपका जो रिजल्ट है यूपीटेट 2022 का जारी कर दिया गया है। संशोधित आंसर की आपकी कल ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इस नोटिफिकेशन में बताया है कि आप अपना जो रिजल्ट है वो updlet.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकेंगे। और ये भी बताया गया है कि जो परीक्षा है उसके अनुपालन में 8/4/2022 को जो है परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। इसमें लिस्ट बताई गई है कि टोटल कितने परसेंट छात्र पास हैं और कितने नंबर ऑफ पीपल हैं यहाँ पर। तो पंजीकृत अगर प्राथमिक स्तर में बात करें तो वही लगभग 12,91,628 पंजीकृत छात्र थे, जिसमें सम्मिलित लगभग 11,47,000 छात्र थे। जिसमें उत्तीर्ण अगर छात्रों की बात करें तो 4,43,598 छात्र जो है वो प्राथमिक स्तर में उत्तीर्ण रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर पंजीकृत जो छात्र थे वो 8,73,553 थे, और इसमें जो सम्मिलित छात्र थे वो लगभग 7,65,921 रहे, और उत्तीर्ण जो संख्या है वो आपकी 2,16,994, और इंग्लिश में तो 2,16,994 छात्र आपके उच्च प्राथमिक स्तर में जो है वो उत्तीर्ण रहे हैं। अगर इसको परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पर आप भारत समाचार देख रहे हैं, समाचार जो है इसके जरिए जो है वो परसेंटेज में भी इस रिजल्ट को बताया गया है। तो प्राइमरी लेवल में लगभग 38% प्रतियोगी पास हुए हैं, जो कि काफी बड़ा परसेंट है अगर पिछले यूपी टेट के मुकाबले देखा जाए, और अपर प्राइमरी में 28% प्रतियोगी जो है वो पास हुए हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। एक और यहाँ पर न्यूज की अगर आप देखेंगे तो GUPUK जो है उसके माध्यम से भी रिजल्ट जो है वो बताया गया है, और इसमें भी बताया गया कि updlet.gov पर आप देख सकेंगे। और यहाँ अगर ऊपर देखेंगे तो हेडलाइन में 38% अभ्यर्थी पास इसमें भी बताया गया है। अगर बात करें रिजल्ट आप अभी देख पाएंगे या नहीं, तो वेबसाइट थोड़ा सा जब भी रिजल्ट जारी होता है तो उस पर लोड एक साथ बहुत सा आ जाता है, इसलिए वेबसाइट आपकी नहीं खुलती। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि वेबसाइट ठीक हो सके, और तब आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकेंगे। और उसके बाद फाइनल आपके क्या कुछ स्कोर रहा वो भी आप कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में, और लोग साथ शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि तब तक न्यूज जो है वो पहुंच सके। वाशरूड में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।